अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी सिखाऊंगी। रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मटन 1 kg लिया है, मिक्स पोटी ली है। आपने इसमें बोनलेस भी लेना है और हड्डी वाला भी लेना है। मिक्स आपने गोश्त लेना है। आपने इसको 3 से 4 पानी वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/2 tablespoon नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें गरम मसाले डालेंगे। लौंग लिए हैं मैंने 4 अदद और दालचीनी ली है 1 small stick। अगर आप बड़ी इलायची को पसंद करते हैं तो वो भी आप 2 अदद इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे पानी लिया है तकरीबन मैंने 1.5 glass। अब इसे कवर करके 15 मिनट तकरीबन प्रेशर कुकर में पकाएंगे, यहाँ तक कि गोश्त अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में 1/2 cup ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें 2 अदद प्याज कटे हुए डालेंगे, लार्ज साइज के लिए हैं मैंने यहाँ पे। अब इसे इतना पकाएंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक और साबुत इलायची ऐड करेंगे। साबुत लिए हैं मैंने सारा कुछ। 3 से 4 मिनट लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारे प्याज लहसुन अदरक ये ठंडे हो चुके हैं, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर जग में इसको डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाल लिया है इसको। अब इसे अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट बना लिया है, इसको बर्तन में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस जग को जिसमें काफ़ी ज़्यादा मसाला लग गया होगा, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे। अब हम लहसुन की बुनाई करेंगे, जिसकी पहले अच्छे से बुनाई नहीं हुई थी। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और दूसरी तरफ मीट हमारा गल चुका है यहाँ पे। अब इसको छान लेंगे, सारी इसकी यखनी अलग कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने साबुत मसाले डाले थे, लौंग और दालचीनी, वो हम निकाल लेंगे, उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। भुने हुए मसाले में गोश्त को ऐड करेंगे, इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे। गोश्त की बुनाई के बगैर इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, भी चाहे वो वाइट कढ़ाई हो या कोई और कढ़ाई हो। तो आपने इसको अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, हाई फ्लेम पर हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। धनिया पाउडर डालेंगे 1 tablespoon भर के। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 teaspoon। साबुत ज़ीरा 1/2 teaspoon। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसकी हम बुनाई करते जाएंगे हाई फ्लेम पर। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे अच्छे से फेंटा हुआ। दही में एसिड मौजूद होता है। दही डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर कवर कर देंगे, इससे हमारा मीट काफ़ी सॉफ्ट बनेगा।
अब इसे इतना पकाएंगे कि ये ऑयल आपस में सारा सेपरेट हो जाए। कवर कर देंगे इसको, इसमें यखनी डालेंगे जो हमने पहले से छान के रखी थी, हरी मिर्च डालेंगे 3 से 4 अदद, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे, इसमें अगली चीज़ क्रीम ऐड करेंगे। होममेड क्रीम भी आप मलाई भी ले सकते हैं और आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं। आपने क्रीम की भी पकाई ज़रूर करनी है लेकिन लो फ्लेम पर, कहीं ये ऑयल ना बन जाए। 5 मिनट तकरीबन आपने इसको पकाना है। बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। पूरे किचन में वाइट मटन कढ़ाई की खुशबूएं आ रही हैं, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाली वाइट कढ़ाई है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है। आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए कितनी अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए इसको सर्व करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई है, इसकी खुशबू पूरे घर में आ रही है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इसको ज़रूर घर पे बनाना है। इसके ऊपर अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, बस आपने इसको 5 मिनट चिकन को बॉयल करना है गर्म मसालों के साथ। जनाब, आप लोगों ने सारी रेसिपी देख ली है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाती हूँ। इसका मीट भी काफ़ी नरम बना है। मज़ेदार मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है, टेस्टी बनी है। चलिए जी, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।